जेडीयू का एनडीए गठबंधन का चुनाव का एक ही मुद्दा है, वो सिर्फ और सिर्फ विकास है और जात पात पे वोट नहीं मांगेंगे, सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर वोट मांगेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मेरा नाम योगेश चक्रवर्ती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तारापुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहे हैं और ये उपचुनाव सत्ताधारी दल और विपक्षी दल दोनों के लिए ही प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है, नाक का सवाल बन गया है। लिहाजा दोनों ही तरफ से जो है अपने तमाम वरिष्ठ नेताओं, मंत्री, विधायक सभी को उतार दिया गया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं श्रेयसी सिंह, बीजेपी विधायक। आइए उनसे जानते हैं, आप घूम रहे हैं क्षेत्र में, क्या कुछ रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, पिछली बार भी तारापुर की जनता ने यहाँ से एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी को, उम्मीदवार को वोट देके हम लोगों के बीच भेजा था। इस बार भी मुझे पूरी मजबूती के साथ ये विश्वास है कि यहाँ के कैंडिडेट राजीव जी को ही जनता चुनेगी, क्योंकि जिस तरह से विकास का काम हो रहा था, उस विकास के काम को हमारे शीर्ष नेतृत्व नीतीश कुमार जी के साथ वो जुड़ना चाहते हैं। यहाँ की जनता उनसे उम्मीद रखती है और उन्हें देख के राजीव जी को वोट देगी। लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार जो है आरजेडी ने मास्टर स्ट्रोक चला है और उसने ऐसा कैंडिडेट दिया है कि जेडीयू की मुश्किलें बढ़ गई है, लिहाजा यही वजह है कि आप लोग को मैदान में उतरना पड़ा है? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो अफवाह है जो उड़ती रहती है। विरोधी दल के जो विपक्षी दल के नेता है वो इस तरह की बातें करते हैं। जेडीयू का एनडीए गठबंधन का चुनाव का एक ही मुद्दा है, वो सिर्फ और सिर्फ विकास है। हम लोग बिहार को एक विकसित क्षेत्र बनाना चाहते हैं, विकसित राज्य बनाना चाहते हैं और साथ ही साथ जो पिछले साल हम लोगों ने विधानसभा चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि एक आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत करना चाहते हैं, उस आत्मनिर्भरता की मुहिम को हम तारापुर में लाना चाहते हैं। लेकिन जमीन की बात करें तो कहा यही जा रहा है कि जो है जातीय समीकरण है वो इस बार जो एनडीए गठबंधन है उसके जो उम्मीदवार हैं उसके खिलाफ हो गया है। देखिए, हमारे पिता स्वर्गीय दिग्विजय सिंह ने ना कभी जात की, धर्म की और वर्ग की बात की। हम उन्हीं का एक अंश है, आज भी विश्वास रखते हैं कि जात पात की राजनीति पे और जात पात पे वोट नहीं मांगेंगे, सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर वोट मांगेंगे। जी जी, वो तो ठीक है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं तारापुर की बात कर रहा हूँ। तारापुर विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि यहाँ इस क्षेत्र में जो मौजूदा समीकरण बन रहे हैं वो थोड़ा टफ हो गया है। नो कमेंट्स। ये बताइए कि जो राजीव भी कह रहे हैं कि जात की बात पर हम कमेंट ही नहीं करेंगे। जी जी ठीक है, नहीं मांगेंगे। जी जी ठीक है, आप, मैं उस पर दोबारा सवाल आपसे नहीं पूछ रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो राजीव जी हैं उनके उम्मीदवारी को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि सीएम नीतीश जो हैं जो 3C की बात करते हैं, लेकिन इन पे कई मामले और गंभीर मामले दर्ज हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल भी ये सब गलत है और ये जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। राजीव जी एक अच्छे कैंडिडेट हैं और वो मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। पहले भी उन्होंने चुनाव लड़ा है और कुछ कम वोट से रह गए थे। इस बार उम्मीद है कि वो गलती भी पूरी होगी और वो चुनाव ज़रूर जीतेंगे। तो ये थी बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह, जिनका कहना था कि हम जात पात की बात नहीं करते और तारापुर में भी जो एनडीए ने कैंडिडेट दिया है वो जात पात